हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञान फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा ये हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 8 रहेगा। जैसे आप लोगों को पता है, मैं प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 से स्टार्ट किया हूँ। 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूँगा आप लोगों के लिए, और कुछ प्रैक्टिस सेट ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ, जो आप लोग परचेस भी कर सकते हैं, जिसका प्राइस है 250 रुपीज़। मैं आप लोगों को डिटेल थोड़ा दिखा देना चाहता हूँ उसके बारे में, जिसको जिसको नहीं पता है वो लोग देख सकते हैं इसको। ये मैंने बनाया है, देख सकते हैं आप लोगों को। वीडियो अगर मेरा देखेंगे तो वहाँ पे भी मैंने दिखाया था 10 प्रैक्टिस सेट जो दिया गया है। देखिए, इसमें साथ में साथ मैं सोल्यूशन भी दूंगा। प्रैक्टिस सेट तो दूंगा ही दूंगा, साथ में सोल्यूशन सेट भी दूंगा, जिसमें से यहाँ पे दिया गया है। देखिए, इसको लेने के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और ये मेरा, इसमें कॉल कर सकते हैं, जिसका प्राइस दिया गया है 250 रुपीज़। और इसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के किसी भी तरह से आप लोगों को प्रॉब्लम होती है रिलेटेड, पंचायत सचिव में जिस तरह से पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो ये सब आप लोग मेरे को पर्सनली भी पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और एक एडवांटेज और आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। दोस्तों, ये है कि जैसे ही ये प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो जाता है, 10 प्रैक्टिस सेट, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा जो जेएससी के आधार से रहेगा। मैं अपने तरफ से बनाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके आधार से मैं एक प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा। और उस प्रैक्टिस सेट का मैं अभी फिलहाल प्राइस नहीं बता रहा हूँ आप लोगों का, सिर्फ एक ही प्रैक्टिस सेट रहेगा। उस प्रैक्टिस सेट को जो परचेस करेगा उसको मैं प्रोवाइड करूँगा। प्रोवाइड करने के बाद उस क्वेश्चन सेट में मेरा मेल आईडी भी मेंशन रहेगा। जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा हूबहू उसी तरह से मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन बना के दूंगा। उसमें मैं कोई लिमिट टाइम नहीं दूंगा, लिमिट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। आप लोगों को 2 दिन के लिए टाइम दिया जाएगा। इस 2 दिन के अंदर से उसको अपने से सॉल्व करके उसमें एक मेल आईडी दिया हुआ रहेगा जो मेरा रहेगा, उसमें आप लोगों को वो सोल्यूशन भेज देना है। भेजने के बाद मैं उसको चेक करूंगा। चेक करने के बाद जिस मेल आईडी से आप लोग भेजे रहेंगे उसी में रिप्लाई आप लोगों को दे दूंगा कि आप लोगों को आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स आ रहे हैं और कहां कहां आप लोग प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, जिससे आप लोगों को एनालाइज हो जाएगा कि आप लोगों कहां पे कमज़ोर हो रहे हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। और मेरे को भी पता चल जाएगा कि अधिकतर कैंडिडेट कहां पे फंस रहे हैं, उसके आधार से मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा। दोस्तों, तो चलिए सबसे हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को और प्रैक्टिस सेट जो हम लोगों का 8 है उसको देखते हैं। तो मैं फिलहाल क्वेश्चन को निकाल लेता हूं। ये मेरा क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस सेट का 8 दिया गया है। ये मेरा चैनल का नाम है, आप लोग गूगल पे जाके यूट्यूब पे जाके सर्च मार सकते हैं ज्ञान फॉर यू। बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे पंचायत सचिव से रिलेटेड, जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। लगभग मोर देन 30 वीडियोस मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन हम लोगों का वर्ड से रिलेटेड है, 25 मार्क्स के लिए रहेगा। जैसे दिया गया है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को एमएक्स वर्ड में तैयार करना है। ये हम लोगों को हेडिंग रहेगा और ये हम लोगों का पैराग्राफ दिया है। दोनों पैराग्राफ को अलग अलग कलर में दिया गया है। हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है जैसे ने, तो ये मत सोचिए कि 2 प्रैक्टिस सेट जो दिया गया है उसी के आधार से लगभग पूछ देगा। जैसे सिर्फ इतना बेवकूफ़ नहीं है कि जो आप लोगों को दिया गया है वही चीज़ पूछ देगा। ऐसे में तो अधिकतर आदमी उसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी में सक्सेस हो जाएंगे। कुछ पॉइंट्स ऐसे रहेंगे जो आप लोग शायद बहुत कम ही आदमी उसको देखे होंगे, बनाए होंगे, तो इसलिए जितने भी प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं सबको एक बार ट्राई कीजिए, देखिए कहाँ से क्या ऑप्शन आता है, सबको टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस पैराग्राफ में दिए गए हैं जो भी पॉइंट्स, उसके आधार से हम लोगों को बनाना है। तो नीचे चलते हैं, इसमें देखते हैं हम लोगों का पॉइंट्स क्या है। पहला पॉइंट दिया गया कि A4 साइज में ले लेना है और कुर्ती देव 010 में हम लोगों को इसको टाइप करना है, यानी कि लिखना है। तो वर्ड में मैं पहले ही इसको बना के रखा हूं, तो इसको मैं क्या करता हूं, जैसे यहां पे दिया गया है ये, तो हम लोगों का A4 साइज लेना है और कुर्ती देव में टाइप करना है। तो मेरा पहले ही यहां पे लिखा हुआ है, इसीलिए मैं अभी इसको नहीं कर रहा हूँ, बस इसका A4 साइज आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। पेज में जाना है, पेज लेआउट में जाके साइज में जाके A4 साइज ऑलरेडी मेरा पहले से सिलेक्टेड रहता है। आप लोगों को अगर बोला जाए 5 या 3, ऐसा पूछेगा नहीं 5 या 3, जनरली ये 4th ही रहता है ऑफिशियली यूज के लिए, तो 4 ही रहेगा। तो 4 मैंने सेलेक्ट किया हुआ इसीलिए सिलेक्ट नहीं किया। हम लोग अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा नंबर क्या दिया गया है। हेडिंग, हेडिंग को क्या बोला गया, हेडिंग आप रिबन यहाँ को हटाना पड़ेगा के अंदर लिखें, जिसका जिसका सेप फील कलर पर्पल
तथा शेप आउटलाइन कलर ब्लैक ब्लैक हो जिसका वेट 1 PT हो। तो हम लोगों को हेडिंग लिखना है वो आप रिबन के अंदर में लिखना है, जिसका उसका कलर रहेगा पर्पल कलर और उसका जो आउटलाइन वाला कलर रहता है वो ब्लैक रहेगा। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये एक्सेल निकल जाता है, ये हम लोगों का है। तो इस पे हम लोगों को हेडिंग क्या लिखने के लिए दिया गया है, हेडिंग यहाँ पे लिखा हुआ है बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा हम लोग लिखते हैं, उससे पहले हम लोगों को ये चीज़ बना लेना पड़ेगा जो चीज़ वहाँ पे पूछा गया है। तो हम लोगों का शेप में जाना है, शेप में जाने के बाद वो ऑप्शन हम लोगों को नीचे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे मैं माउस रखता हूँ तो यहाँ पे नाम लिखाएगा अप रिबन, अप रिबन शेप हम लोगों को लेना है। इसको लेने के बाद इस तरह से हम लोग खींच देंगे, ये बन जाता है इस तरह से। अब इस तरह से बनने के बाद हम लोगों का जो कलर बोला गया है, क्या बोला गया है, देखिए पर्पल कलर लेने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और पर्पल कलर हम लोगों का शेप फिल जो दिया गया है ये कलर हम लोग का पर्पल, ये हो गया। अब आउटलाइन हम लोगों का कलर ये देखिए दिया गया आउटलाइन लिखा हुआ है, इसको हम लोग ब्लैक लेंगे। ब्लैक लेने के बाद उसका वेट जो बोला गया है वो हम लोगों का 1 लेने बोला गया है ये। अब यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे, लिखा आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्लिक रहेगा और यहाँ पे एड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तब हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आप लोगों को बिरसा मुंडा लिखना पड़ेगा, तो इसको मैं यहाँ से फिलहाल के लिए कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट करने के बाद टेक्स्ट का कलर कुछ लेने बोला गया है क्या, नहीं बोला गया है, तो हम लोग टेक्स्ट का कलर को इसी तरह रखने देते हैं। इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं, इसको थोड़ा सा साइज कितने लेना बोला गया है अगर लिखा हुआ है तो देख लेते हैं। देखिए हेडिंग का साइज 24 लेने बोला है, सेंटर अलाइन करने बोला गया है, अगला वाला पॉइंट्स में दिया गया था, तो 24 साइज में ले लेता हूँ और इसको मैं सेंटर अलाइन ही है, इसको अरेंजमेंट सही से कर देता हूँ। तो ये हम लोगों का हेडिंग हो गया। अब अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्तों, लेकिन जैसे मैंने हर एक वीडियो में बताता हूँ आपको, वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आप लोग बहुत ही बेनिफिट होगा। तो डी नंबर पॉइंट दिया गया है, देखिए पैराग्राफ का फॉन्ट साइज 12 लेने के लिए बोला गया है। तो हम लोग पहले पैराग्राफ का पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं दोनों पैराग्राफ का और साइज 12 ले लिए। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करते जाइए तब आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी वेरीफाई करने में भी। ये हम लोगों का हो गया। अब बोला गया है नंबर को एरियल में लिखने के लिए जिसका साइज हम लोग 12 है। तो यहाँ पे देखिए कहीं नंबर दिया गया है क्या, नंबर हम लोगों का यहाँ दिया गया है 1, और कंट्रोल दबा के इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कहीं दिया गया है क्या। यहाँ पे दिया हुआ है 25 और ऐसा नहीं दिया गया, देखिए मिसिंग हो रहा है तो आप लोग कर लीजिएगा, इसमें मेरे को इतना दिख रहा है। इसको मैं सेलेक्ट करने के बाद एरियल में ले लेता हूँ इस पर, और इसका साइज भी 12 ही रखने बोला गया है, बस हम लोगों का हो गया। होने के बाद आगे हम लोग पॉइंट दिया गया है, देखिए दूसरा पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ का BG यानी कि बैकग्राउंड, BG मतलब इसका शॉर्ट में मैं लिखा हूँ BG जो होता है ग्रीन कलर रखने के लिए बोला गया है। पैराग्राफ का बैकग्राउंड रखने बोला गया है, तो पैराग्राफ को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मेरा पहला होना चाहिए, एक्चुअली मिस्टेक हो गया है दोस्तों, थोड़ा इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ पे पहला पैराग्राफ होगा, यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ होगा। तो हम लोगों का पहला पैराग्राफ में जो बोला गया है ग्रीन, दूसरा पैराग्राफ में ऑरेंज। तो पहला पैराग्राफ हम लोगों का सेलेक्ट करते हैं, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ग्रीन हम लोगों का ये देखिए, हम लोगों का जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया था कि पैराग्राफ का काम कर रहे हैं, तो पैराग्राफ का काम हम लोगों का यहीं से होगा। ये पैराग्राफ दिखा रहा है, इसके अंदर ही हम लोगों का होगा। तो यहाँ पे हम लोग का कलर दिया गया है, इसको हम लोग ग्रीन कर लेते हैं। ग्रीन कहाँ से मिलेगा, ये हम लोगों का ग्रीन है, ग्रीन। अब दूसरा वाला को कौन सा कलर बोला गया है, ऑरेंज। दूसरा वाला सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, इसको हम लोग ऑरेंज में ले लेते हैं। ये इस तरह से हम लोगों का हो गया। अगला पॉइंट दिया गया है, देखिए दोनों पैराग्राफ का को लाइन स्पेस 1.15 करें। तो दोनों पैराग्राफ को बोला गया है, तो दोनों को एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग भी करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन स्पेसिंग में जाके हम लोगों को 1.15 कर देना है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, पेज का बॉर्डर को दिए गए लाइन वाला लें। यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन में ले लिया हूँ कि जिस तरह से यहाँ पे दिया गया है उस तरह वाला लाइन आप लोगों को बॉर्डर देना है। तो ये हम लोगों को मिलेगा कहाँ, जहाँ से बॉर्डर लेते हैं हम लोग वहीं से देख लेंगे। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, देखेंगे हम लोगों का बॉर्डर का ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे पेज में चलते हैं, पेज में यहाँ पे देखिए पेज बॉर्डर दिया गया है।
इस पेज बॉर्डर में हम लोगों का यहाँ पे चूज कर लीजिएगा कि ऐसा हम लोगों का कहाँ पे दिया गया है। देखिए नीचे में दो दिया गया है, दो में से हम लोगों का ये देखिएगा साइड में जो दिया गया है, ये पूरा साइड में, इस साइड में ज़्यादा डार्क है और जैसे थोड़ा अंदर आए वैसे ही ये थोड़ा कम होते गया। तो ऐसे वाला को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ये वाला। अब इसको मैं ओके कर देता हूँ, तो इस तरह से हम लोगों का बॉर्डर बन जाता है। तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है वर्ड। इसको मैं फिलहाल सेव कर लेता हूँ अपना लोकेशन पे, जहाँ पे हम लोगों को कहीं भी आप लोग सेव कर लीजिएगा आपका डेस्कटॉप में ये चीज़, इसको सेव कर लीजिएगा ताकि आप लोग जब मेल भेजिएगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो ये हम लोगों का वर्ड कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हम लोगों का टू क्वेश्चन नंबर टू, नीचे दिए गए डाटा को एक्सेल शीट में तैयार करना है। तो सबसे पहला तो काम आप लोग आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लोग पहले इसको बना लीजिएगा उसके बाद ये ऑल बॉर्डर कीजिएगा या तो फिर पहले ही ऑल बॉर्डर कीजिएगा, ये आप पे डिपेंड है। जब भी करें लेकिन टाइम से पहले ही कंप्लीट कर देना है। तो इस तरह से आप लोगों को टेबल बनेगा वो चीज़। आप लोगों का थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे, मैं जानबूझ के इसको बड़ा इसीलिए लिया हूँ ताकि प्रैक्टिस में थोड़ा बड़ा ही करके रखिए, क्योंकि हो सकता है इतना बड़ा पूछते या इससे थोड़ा छोटा पूछे तो आप लोगों को करने में ईजी पड़ेगा। इसीलिए प्रैक्टिस जब भी कर रहे हैं तो थोड़ा बड़ा ही आप लोग कुछ भी लीजिए, बड़ा ही लीजिए और कीजिए। तो इस तरह से आप लोग टेबल बना लीजिएगा जिसमें से आप लोगों को दिक्कत कहाँ पे आएगी, इस यहाँ इस जगह आ सकती है और ये सब में जो आप लोगों का मार्ज किया गया है इस सब में आ सकता है। तो मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। इस तरह से ले लेना है यहाँ पे। लेने के बाद सबसे पहला मैं ऑल बॉर्डर ले लेता हूँ। पहला वाला हम लोगों का जो दिया गया है, देखिए यहाँ पे पूरा मार्ज किया गया ऊपर वाला को, पहला वाला पूरा सेलेक्ट करके मर्ज कर देना है। फिर हम लोगों का यहाँ वाला को भी क्या करना है, देखिए डबल यहाँ पे पूरा डबल लिया, ये हम लोगों का लिया गया है ना, ये तो इस तरह से पार रहता है इधर इस तरह से। तो हम लोगों का इसको डबल वाला को क्या किया गया, देखिए इसको डबल वाला लिया गया है, डबल को मार्ज, यहाँ पे डबल मार्ज, कितना को डबल मार्ज किया गया है देखिए आप लोग, 1 2 3 4 5। तो मैं 5 को यहाँ पे डबल डबल लेके मार्च कर देता हूँ। हाँ हो गया हम लोगों का 5। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, इसको इसको इस तरह से इधर वाला डबल को मार्च किया गया है। तो इसको पूरा मार्च कर देते हैं यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद फिर यहाँ पे एक मार्च, दूसरा मार्च। अब यहाँ से जो बच गया इसको मैं डिलीट कर दिया। तो हम लोगों का बन जाता है इस तरह से, देख सकते हैं। तो हम लोगों का अब लिखा जाएगा प्रॉब्लम, इसको डबल मार्च होना चाहिए। देखिए हम लोगों का हो गया, यहाँ पे जो हम लोगों का लिखाएगा ये अनुभव वाला लिखाएगा, यहाँ पे साल, यहाँ पे महीना, यहाँ पे साल, यहाँ पे महीना, और यहाँ पे हम लोगों का हेडिंग दिया गया ये हेडिंग। तो इस तरह से हम लोगों का लिखा जाएगा। अब नीचे भी यहाँ पे देखिए दिया गया है इस तरह से, कहाँ से लेके यहाँ से लेके 3 लिया हुआ है और इसको मार्ज किया गया है। अब यहाँ पे हम लोगों का कुल लिखाया है, यहाँ पे जितना आएगा सब कुल लिखेंगे। तो इस तरह से टेबल बन जाएगा। तो फिलहाल टेबल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आप लोगों को सिर्फ दिखा दिया मैंने कि टेबल बनाने में भी बहुत किसी को बहुत सारे टाइम लग जाते हैं। मैंने आप लोगों को समझा समझा के बनाया तो टेबल मेरा लगभग 1 से 1.5 मिनट में बन गया, लेकिन बिना समझा के बनाने से ये अगर प्रैक्टिस रहेगा तो आप लोगों का 45 सेकंड 50 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप लोग, और उसके बाद जो टाइम लगेगा थोड़ा टाइपिंग करने में, टाइपिंग आप लोग इसीलिए थोड़ा स्पीड कीजिए। टाइपिंग करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे पॉइंट्स के आधार से बना लेते हैं। देखिए दिए गए एक्सेल शीट को ऑल बॉर्डर दें, जो ऑल बॉर्डर कर देना है, उसके बाद आप लोगों को रैप या मार्च जैसे करना है, ज़रूरत के हिसाब से रैप और मार्च करें, जहाँ जहाँ जरूरी है वहाँ पर करें देख देख के। तो फिर उसके बाद बी नंबर दिया गया हेडिंग को बोल्ड करें और साइज 22 लें। हेडिंग को ले लेना है सबसे पहला काम, हम लोग हेडिंग को ले लेते हैं, इसको 22 में रख देता हूँ मैं, 22 में इसको मैं इधर ले लेता हूँ। थोड़ा मैं बड़ा करके इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। उसके बाद फिर क्या बोला गया है, देखिए बोल्ड भी करना है, तो इसको सेलेक्ट रहेगा बोल्ड कर देंगे, बोल्ड आ गया। अब अगला पॉइंट क्या दिया गया, बीजी यानी कि बैकग्राउंड कलर, हेडिंग का ही कलर येलो ले और सेंट्रल लाइन करने के लिए बोला गया है। तो येलो हम लोगों का ले लेना है, इसको सेलेक्ट करके बीजी कलर यहाँ से आएगा, येलो, येलो ले लिए। सेंट्रल लाइन तो हम लोग का है ही, यहाँ पे क्लिक रहेगा सेंट्रल लाइन में दिखा रहा है, सेंट्रल लाइन ले लिए हम। अगला पॉइंट चलते हैं,
हेडिंग के नीचे वाला को बोल्ड करें और साइज 16 लें और बीजी कलर ऑरेंज रखने के लिए बोला गया है। हेडिंग के नीचे वाला हम लोगों का कौन सा हो गया, ये हेडिंग के नीचे वाला, इसको बोल्ड करना है, 16 का साइज में ले लेना है और उसका बीजी कलर जो दिया गया है ऑरेंज में ले लेना है। अब मेरा बहुत सारे कुछ कुछ यहाँ पे छिप जा रहे हैं, तो ये जो छिप जा रहे हैं ये सबको मैं इस तरह से कर सकता हूँ। डबल क्लिक करूँगा तो इस तरह से हो जाएगा, लेकिन मेरे को, मैं रैप वाला यूज कर रहा हूँ तो रैप वाला यूज करके मैं थोड़ा इसको सामने ले लेता हूँ इस तरह से। ये सबको डबल क्लिक करके कर सकते हैं, इस तरह से सुइटेबल कर दीजिए टेबल। देखिए अभी दिखने में भी सही लग रहा है। अब उसके बाद फिर नीचे क्या दिया गया, देखिए हिंदी वर्ड जो हम लोगों को लिखेंगे वो कुर्तिदे में ही लिखाएगा और संख्या जो लिखेंगे उसको क्लिवरी में लिखेंगे। तो संख्या हम लोगों का यहाँ पे जितने भी हैं ये सबको हम लोग क्लिवरी में ले लेते हैं। देखिए क्लिवरी में ही लिया हुआ है। उसका साइज वगैरह यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है कि जो हम लोगों का लिखेंगे वो सब साइज क्या है वो मेंशन नहीं किया गया है, तो आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट जो लेगा वही छोड़ देना है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आप लोगों को दिखने में ईजी हो, इतना बड़ा कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा डबल क्लिक कर देता हूँ ताकि अपना अरेंजमेंट कर ले वो। फिर आगे चलते हैं, फॉर्मूला का यूज करते हुए रिक्त स्थान जितने भी हैं सबको भर देना है। तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, पहला हम लोग इसको निकालेंगे, वेतन, वेतन में वृद्धि, वेतन में वृद्धि दोनों जगह निकालना है, लेकिन एक जगह रुपया में निकालना है, एक जगह प्रतिशत में निकालना है। तो रुपया में निकालने के लिए हम लोगों का कितना वृद्धि हुआ है, पहला साल ये जो था सैलरी वेतन जो वो इतना था ये, और दूसरा साल इतना हो गया, तो हम लोगों का वृद्धि कितना हुआ, घटा देंगे कॉमन ये इक्वल, ये जो ज़्यादा है यहाँ से माइनस कर देंगे, पहला साल वाला को घटा देंगे, तो हम लोगों का आ गया। इसको मैं थोड़ा डबल क्लिक करूँगा तो आ जाता है। देखिए तो ये जब आप लोग टाइप कीजिएगा ना, यहाँ पे आरएस है इसीलिए यहाँ पे आरएस आ गया, ठीक है, लेकिन आरएस आप लोग मैनुअल नहीं टाइप करना है। आप लोग जब यहाँ पे लिख लीजिएगा, लिखने के बाद जैसे सपोज मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, कुछ भी मैंने लिख लिया ये सब, ठीक है, ये तीनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाइएगा जनरल के नीचे जस्ट ऑप्शन अकाउंटिंग नंबर वाला फॉर्मेट जो दिया गया इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देखिए इंडिया रुपीस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों का आ जाएगा वो चीज़ आर वाला, इसमें फिलहाल आर आ रहा है, यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा वो चीज़ आर एस, इंग्लिश में है इसीलिए आर एस दिखा रहा है, इसमें हिंदी में रहेगा तो आप लोगों का रुपया वाला दिखाएगा। तो इसी तरह से यहाँ भी आर एस है तो यहाँ भी आर एस आ गया। उसके बाद इसको मैं नीचे तक यहाँ खींच दूंगा, इससे नीचे नहीं खींचना है क्योंकि इधर तो कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, इसमें हम लोगों को कुल निकालना है। अब यहाँ पे हम लोगों को प्रतिशत निकालने के लिए बोला गया है, वेतन में जो वृद्धि हुआ है उसका कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है वो प्रतिशत में हम लोगों को निकालना है। तो हम लोगों का बढ़ा है कितना, ये बढ़ा हुआ है 2500 पहला वाला मैनेजर के लिए, तो उसका कितना प्रतिशत हम लोगों का बढ़ा है, तो इसके लिए हम लोगों को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद जो बढ़ा है हम लोगों का जो ये 2500 ये मतलब 2500, उसके बाद इंटू 100 डिवाइडेड बाई हम लोगों का ये 25000, तो यहीं से ना हम लोगों का बढ़ा है तब हम लोगों को पता चलेगा, फिर इंटर कर देंगे तो ये हम लोगों का 10 आ गया, 10 हम लोगों का क्या प्रतिशत आ गया। तो प्रतिशत में लिखने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ से जाके प्रतिशत वाला को भी ले सकते हैं इस तरह से, ये गलत हो गया, प्रतिशत में दिया गया है तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, हम लोगों को नहीं मेंशन करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में कि यहाँ पे लास्ट में प्रतिशत होना चाहिए, तो इसलिए हम लोगों का ये प्रतिशत तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है प्रतिशत में, तो ये हम लोगों का 10% हो गया। आप लोग मैनुअली भी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि 25000 में अगर 2500 रुपया बढ़ा है एक साल में तो 10% ही वो बढ़ा है। उसके बाद हम लोगों का नीचे दिया गया है कुल निकालने के लिए, कुल निकालने के लिए जैसे मैंने बताया था कि इसका कुल अगर उसका सामने वाला सेल में निकलना है तो सबसे इजी है कुल निकालना, यहाँ पे क्लिक रहेगा, जाना है ऑटो सम पे क्लिक कर देना है, इंटर कर देना है, ये हम लोगों का कुल आ गया। उसके बाद इधर खींच देना है पूरा यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे हज इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये ज़्यादा संख्या है, इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो आ जाएगा मेरा, देखिए इस तरह से ये हम लोगों का साल है, लेकिन यहाँ पे मैंने इस तरह से खींच दिया है
इसीलिए यहाँ पे आर एस है, यहाँ पे भी इसीलिए आर एस ले लिया है। तो इसको आप क्या कीजिएगा, हम लोगों का यहाँ पे आर एस इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ अकाउंटिंग, तो इसको मैं जनरल कर दूंगा, जनरल कर दूंगा तो हम लोगों का हट जाएगा जनरल। इसको भी मैं जनरल कर दूंगा, हम लोगों का अकाउंटिंग सिर्फ अमाउंट वाला रहेगा, ये सब तो हम लोगों का अमाउंट नहीं है ये, इसलिए मैं इसको जनरल में ले लिया। और यहाँ पे आखिरी पॉइंट्स जो दिया गया है, देखिए ऐप में जो दिया गया है, एक्सेल डाटा शीट को सेंट्रल लाइन करना है और कलर को सजाएं जैसे क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। तो क्वेश्चन पेपर में जिस तरह से यहाँ पे दिया गया है उसके आधार से ये कलर सब चूज कर लेना है। ऐसा यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है कि यहाँ पे जिस तरह से दिया गया हु बहु देना है, इसके आधार से यहाँ पे जो अलग अलग दिया गया है हर इसका कॉलम रो का, उस तरह से आप लोगों को सजा लेना है। तो इसके लिए एक्सेल में जाना है और एक्सेल में जाने के बाद इसको हम लोग सजा देते हैं इस तरह से, कोई भी एक कलर जिससे अच्छा लगे अलग अलग लेके हम लोग सजा देते हैं इसको, जिस तरह से क्वेश्चन में दिया गया। पहला वाला इस तरह से दिया गया, दूसरा वाला में हम लोगों को ये इस तरह से दिया गया है, तीसरा वाला में हम लोग जाएंगे तो थोड़ा रेड टाइप का दिया हुआ है। तो इस तरह से आप लोग इसको सजा लीजिएगा, तीसरा वाला को सेलेक्ट कर लीजिएगा और ये सब जितने कलर्स हैं आप लोग सजा लीजिए, जिससे देखने में बहुत ही आसान होगा। तो देखिए मैंने कंप्लीट कर दिया है इसको, सजा के कंप्लीट कर दिया, तो इस तरह से हम लोग इसको सजा दिए, अब हम लोगों का कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो इस तरह से ये एक्सेल हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में जो दिया गया है 5 स्लाइड बनाने के लिए बोला गया है। इससे पहले वाला वीडियो में भी मैंने 5 स्लाइड बताया था, बहुत किसी का कमेंट आया था कि सर 30 मिनट्स में 5 स्लाइड को बनाना कैसे पॉसिबल होगा, ऊपर से टाइपिंग भी इतना ज़्यादा है। मेरे को पता है इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने जैसे बताया कि प्रैक्टिस अगर आप लोग कर रहे हैं तो जितना हो सके ज़्यादा ज़्यादा करके प्रैक्टिस करना सही रहेगा। तो यहाँ पे पहला स्लाइड में जो दिया गया है हेडिंग को रखने के लिए बोला गया है। इसमें भी बहुत किसी को प्रॉब्लम आ रहा था कि हेडिंग में जो बनाया गया है उस चीज़ को कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है, तो किस तरह से करना है देखिए मैं बता रहा हूँ। पहले पहला वाला को मैं हटा देता हूँ, ब्लैंक वाला ले लिया। यहाँ पे मेरे को वर्ड का जो है इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक कॉपी, यहाँ पे जाके पेस्ट आ गया। तो ये हम लोगों का सुइटेबल जैसे में सही होगा दिखेगा उसके आधार से मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पे जो हम लोगों का लिखा हुआ है इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, क्योंकि साइज वगैरह यहाँ पे नहीं बोला गया है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लिया। सेकंड स्लाइड में चलते हैं, सेकंड स्लाइड में हम लोगों को क्या बोला गया है देखिए। दूसरा स्लाइड में वर्ड का पैराग्राफ को रखना है, ये नहीं बोला गया कि पहला या दूसरा, हम लोग को दोनों को रख देना है। पूरा को सिलेक्ट करके कॉपी, यहाँ पे जाके पेस्ट, इस तरह से आ गया। यहाँ पे कलर नहीं लिया, कलर नहीं लिया है, तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा साइज इस तरह से। और यहाँ पे हम लोगों को इस तरह से दिया गया है, तो कलर आप लोग मैनुअल ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ऐसे कॉपी करके इसको छोड़ देना है, कोई ज़रूरी नहीं है हम लोगों का कलर वलर करने के, हम लोगों को सिर्फ ये ले लेना है, कॉपी करके पेस्ट कर देना है। यहाँ पे इसका कोई ऑप्शन यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, दिखेगा भी नहीं। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट कलर का दिखा रहा है फॉन्ट वाला। पैराग्राफ में अगर मैं चलता हूँ तो पैराग्राफ में भी हम लोगों को कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं देता है, तो सिर्फ हम लोगों को, और क्वेश्चन में भी इसे मेंशन नहीं किया गया है, तो हम लोग इसको इस तरह से छोड़ देंगे। उसके बाद फिर न्यू स्लाइड करेंगे, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। तीसरा स्लाइड में एमएक्स एक्सेल को रखना है, तो इसको मैं क्या करता हूँ पूरा सेलेक्ट करके थोड़ा छोटा कर लेता हूँ साइज, ताकि वहाँ पे जाके आट जाए। ऐसा मैं करके देख लेता हूँ एक बार कॉपी करके, अगर हो जाता तो ठीक है, नहीं तो हम लोगों को थोड़ा साइज छोटा करना पड़ेगा। इस पर पेस्ट आ गया इसे, तो इसको हम लोग थोड़ा बड़ा करके अरेंजमेंट कर लेते हैं। अब फिर अगला स्लाइड न्यू स्लाइड एक ले लेते हैं, फिर पॉइंट में चलते हैं। चौथा स्लाइड में एमएक्स एक्सेल द्वारा तैयार डाटा को एक्सपोर्टेड 3D पाई चार्ट बनाना है। इससे पहले भी मैं पाई चार्ट बनाया हूँ, बताया हूँ आप लोगों को, लेकिन ये एक्सपोर्टेड वाला है। तो और इसमें
थोड़ा कुछ ऐड किया हुआ है जो आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है, ये पूछ भी सकता है, इम्पोर्टेंट है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सेल में चलता हूँ, सेलेक्ट रहने देता हूँ, पाई चार्ट में चलता हूँ। पाई चार्ट में हम लोगों को एक्सपोर्टेड वाला लेना है, इसको ले लेना है, इस पर हम लोगों को क्लिक करना है। लेकिन हम लोगों का नहीं आएगा ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक ये हुआ है हम लोगों का कि यहाँ पे आप लोग थोड़ा सुधार लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ जो पद और पहला सैलरी, पद और पहला सैलरी को सेलेक्ट करते हुए हम लोगों को वो चीज़ लिखना है, यहाँ पे उसका बनाना है। ये पद और पहला साल का सैलरी को सेलेक्ट करते हुए पाई चार्ट वाला हम लोगों को बनाना है, क्योंकि पाई चार्ट वगैरह जो बनता है हम लोगों का एक रो एक कॉलम में ही बनता है ना, एक रो ये इस तरह से रहेगा तो ही बनता है, इसमें ज़्यादा अगर रहेगा तो ये नहीं बनता है। तो इस तरह से हम लोग सेलेक्ट करने के बाद, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है आप लोग सुधार लीजिएगा, इसको सेलेक्ट कर दीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद पॉइंट्स जो दिए गए हैं उस पर ध्यान दीजिए। देखिए लेआउट 1 रखें और स्टाइल 42 रखने के लिए बोला गया है आपको। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, एक्सेल में चलेंगे, लेआउट 1 रखना है, ये हम लोगों का लेआउट 1 है और इसका जो स्टाइल दिया गया है इसको हम लोगों को ये 42 है, इस पर क्लिक कर देना है। तो इसी को हम लोग कॉपी राइट क्लिक करके कॉपी करके उसका वर्ड सॉरी पावर पॉइंट में जाके यहाँ पे पेस्ट करना है। तो इस तरह से ये दिखाई देता है। उसके बाद फिर अगला पाँचवा और लास्ट पॉइंट जो हम लोगों का रहेगा, पाँचवा स्लाइड में समाप्त लिखना है। ये जो हम लोगों का समाप्त है इसको फिलहाल मैं कॉपी कर लेता हूँ और पांचवां स्लाइड में हम लोगों को समाप्त लिखना है। और वो किस तरह से लिखना है, समाप्त लिखना है जो इस ये स्टाइल में रहेगा। तो इसमें मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग चलते हैं और इसका वर्ड आर्ट में जाने के बाद ये ऑप्शन हम लोगों को मिलता है, फिल एसेंट टू मैट वेबल, ये वर्ड आर्ट का अंदर ऑप्शन मिलेगा, इसको सेलेक्ट कर देते हैं तो ये लिखा जाता है। तो और अब हम लोगों को अरेंजमेंट थोड़ा करना होगा कि यहाँ पे जो हम लोगों को पहले लिखा हुआ था इसको हटा देंगे। अब इसको आप लोग बड़ा भी कर सकते हैं, बड़ा छोटा जैसे करना है कर सकते हैं। होम में जाके फिलहाल मैं इसका बड़ा और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो इस तरह से हम लोगों का ये कंप्लीट हो जाता है पाँचवां। दोस्तों मैंने जैसे बताया आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन चेंजेस करना पड़ेगा जो मैंने बाय मिस्टेकली लिखना भूल गया था। जैसे मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताया कि जो हम लोगों का ये चार्ट बनेगा, ये चार्ट पूरा को सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे क्वेश्चन आएगा रहना चाहिए जो मैं लिखा नहीं, पद और साल का पहला साल का जो सैलरी है इसको सेलेक्ट करके हम लोगों को पाई चार्ट बनाना है। तो जो मैंने आप लोगों को बता दिया तो आप लोग उसको करेक्शन कर लीजिएगा दोस्तों। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का सेट। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई दोस्तों, इसके लिए सॉरी दोस्तों, लेकिन आप लोगों को थैंक्स कि पूरे आप लोग वीडियो देखें, इसको समझें और बनाएं दोस्तों, जिससे आने वाले जितने भी आप लोगों को एग्जाम में किसी तरह से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। और एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर सेट अभी तक नहीं परचेस किए हैं तो परचेस कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग कुछ बहुत ही सेट में लेके आ रहा हूँ और जिसको आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, जिसका प्राइस है 250 रुपीज़, जो आप लोगों के लिए बहुत ही जानना जरूरी है। जैसे जैसे मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ कि कुछ कुछ ऐसे ऐसे ऑप्शन आप लोगों को बता रहा हूँ जो आप लोगों को पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है, तो सोल्यूशन सेट के साथ दे रहा हूँ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।